इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अभी कुछ ही दिन शेष होने के बावजूद रिटर्न में फेरफार करने की कार्यवाही यथावत है, क्योंकि 15 जनवरी तक ऑडिट रिटर्न भरने की आखिरी तारीख घोषित किए जाने के बावजूद ऑडिट रिटर्न फॉर्म की यूटिलिटी में फेरफार किया गया है। इसके कारण ऑडिट रिटर्न तैयार करके बैठे सीए और टैक्स कंसल्टेंटों को फिर से सभी कार्यवाही करने की नौबत आई है। इनकम टैक्स पोर्टल में सुधार करने के लिए केंद्र के वित्त मंत्री ने 15 सितंबर आखिरी अवधि होने के बावजूद अभी भी इसमें सुधार किया जा रहा है, एक दिन पहले ही ऑडिट के साथ रिटर्न फाइल की यूटिलिटी में कुछ सुधार किया गया है। हालांकि इस सुधार के कारण ऑडिट के आंकड़े लिखने की पद्धति में सुधार किया गया है, जिससे सीए ने पहले ऑडिट रिटर्न का डेटा सीट एक्सेल में बनाया हो तो उसे फिर से एक्सेल के बजाय आस्की में बनाने की नौबत आई है, जिससे ऑडिट रिटर्न डेटा सीट फिर से बनानी पड़ेगी। ऐसे जानकारों का मानना है कि अब ऑडिट रिटर्न भरने की तारीख 15 जनवरी आखिरी घोषित की गई है। ऐसे में एक महीने का ही समय बाकी होने के बावजूद अभी भी ऑडिट रिटर्न की यूटिलिटी फॉर्म में संशोधन यथावत रख। गौरतलब है कि ऑडिट रिटर्न की तारीख एक बार तारीख अवधि बढ़ाकर करदाताओं को राहत दी गई थी, लेकिन इसके सामने रिटर्न की यूटिलिटी के आंकड़ों में फेरफार आखिरी समय किए जाने से टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट की परेशानी बढ़ गई।